Good morning, everyone. How are you all doing? So today I have got a guest for you in this session. So main aapko us guest se jaldi jaldi se milwaungi. But before that, guys, I would just like to give you the aim today. So the aim is, yesterday we have got like somewhere around 165 likes. So aaj ka aim bhi hum rakhte hain bachcho 150 likes ka, and views will also be aim rahega somewhere around 1.5k. theek hai? तो आई थिंक हो ही जाएगा. तुम लोग बस जल्दी जल्दी से शेयर कर देना. एंड मेंटी क्विज तो डेफिनेटली है आज भी, और आज के मेंटी क्विज में आपको एक गेम भी खिलाऊंगी मैं. दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव फन एंड लर्न मेंटी क्विज. देयर आर गोइंग टू बी सम अमेजिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम द नेशनलिज्म इन यूरोप. सो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड फॉर टुडे. ही इज मिस्टर ब्राइट एंड he wants to say good morning to all of you. Mr. Bright wishes a bright morning to all of you. bright morning to all of you. And bachcho, agar tumko bilkul ye jo pigeon hote hain ya koi bhi bachcho, birds hote hain, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, right? अपना घर बनाने के लिए, या फिर बोलो तुम अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए. They have a life full with struggles. I personally believe this. अगर आप observe करोगे nature को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि यार कितना ज़्यादा struggle होता है, but still they survive. They fight with all the problems which they face every day. So just like that, guys, if you want to be bright, if you want to have a bright future, be like Mr. Bright, okay? And आई होप ये छोटा सा टोकन ऑफ पॉजिटिविटी तुमको अच्छा लगा होगा, है ना? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. अगर अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्लीज़ डाउनलोड करो. ये तुम्हारे स्ट्रगल्स को थोड़ा तो ईज आउट कर ही देगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको एवरी डे बहुत सारे मेहनत से अमेजिंग कोर्सेज लॉन्च करते हैं, सो दैट यू पीपल कैन एस योर स्कूल एग्जामिनेशन. यू पीपल कैन एस एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, ओके? एंड वंस यू डाउनलोड द ऐप, सबसे पहले आपसे एक कोड मांगा जाता है. RSYT कोड ज़रूर याद रखो, बिकॉज दिस इज़ रश्मि सिंह योर टीचर. RSYT इज़ माई कोड. वो आप यूज़ कर सकते हो. बच्चों, मैं कोटा से आपको पढ़ा रही हूँ. ऑलरेडी मैं कई सालों से कोटा में पढ़ा रही हूँ बच्चों को SST और इंग्लिश. नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन अन अकेडमी पिछले एक साल से. तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का आज day 3 है बच्चों. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट 1830 से 1848 का जो रेवोल्यूशन था वो आज हम पढ़ने वाले हैं. अन अकेडमी मर्ज इज वन स्कॉलरशिप एग्जाम जिसमें कोई तैयारी नहीं है. इनफैक्ट ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें आपको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है. यू कैन गो एंड गिव दिस एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रिपरेशन. यू विल बी आस्क 30 क्वेश्चंस एंड यू गाइज आर गोइंग टू गेट प्राइजेज वर्थ 5 करोड़ रुपीज. ओ माई गॉड. तो तुम चाहो तो ये सारी चीज़ें जो हैं गिफ्ट भी कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को. सो गो फॉर इट गाइज. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एनरोल योरसेल्फ्स फॉर द अन अकेडमी इमर्ज. नाउ लेट्स बिगिन द सेशन. हाई निहार, हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो अभिषेक, हेलो सुपनजोत, हेलो अभिनव. एंड सुबह सुबह ही एक बच्चे ने आज बताया कि उसका NTSC Stage 1 क्लियर हो गया है. पिछले साल के बच्चे हैं निहार जी. बहुत ही अच्छा लगा सुन के. ओके, सो बिफोर वी प्रोसीड आई एम गोइंग टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ टाइम लाइन कि आज हम लोग बच्चों एज ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने वाले हैं, एंड देन मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे.
सबसे पहले तो जिन बच्चों ने सही आंसर दिया था, ये है कल वाले बच्चे, राइट, जिन लोगों ने सही आंसर दिया था. यस, सो दिस वॉज द क्वेश्चन. व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये किसने कहा है? तो मिटर्निक जी ने कहा है, ड्यूक मिटर्निक, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हैज रिमार्क दिस. एंड हु ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर? प्रिंस पल्लवी एंड शर्बनी. एंड बच्चों, आई फील सुपर प्राउड व्हेन योर नेम्स पॉप्स अप ऑन दिस लिस्ट. सो प्लीज मेक श्योर कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर तुम जरूर करो, ठीक है? आज दो होमवर्क क्वेश्चन होने वाले हैं. यस, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी बेटा आज. ओके, हेलो नमिता, हाय सत्यार्थ, हेलो मनोज, हेलो गीता. सो गाइस लेट्स बिगिन. हम लोगों ने कल तक क्या पढ़ा था बच्चों, कि सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है यूरोप की. द सोसाइटी ऑफ यूरोप हैज़ गॉट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट? तो अर्लियर ओनली टू काइंड्स ऑफ पीपल वर देयर इन यूरोप, अरिस्टोक्रैट्स एंड पेजेंट्री. Aristocrats were rich, socially and politically dominant, and the peasants were quite poor and they used to work as serfs in the big fields of aristocrats. Later on, due to industrialization, working class people came into the picture, middle class people came into the picture. Middle class people were the industry ke owners hua karte the, theek hai? And these were the people who have got the idea of national unity. फिर मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी, गली बॉय वाली, है ना, आज़ादी आज़ादी वाली पिक्चर दिखाई थी. देन आपने देखा कंजर्वेटिव्स भी थे. कंजर्वेटिव्स 1815 के बाद बहुत एक्टिवली अपने पावर को होल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज नेपोलियन इज़ नो मोर. बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन जो है वो हार जाते हैं, उनको एग्जाइल पर भेज दिया जाता है. सो नाउ फ्रॉम दिस टाइम पीरियड 1815 से 1830 तक there is a lot of tension amongst conservative and liberals. इनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है? Now why the tension is there? It is because of the power. Conservative wants to hold more power. Okay, political power. सारा का सारा किसको चाहिए? Conservatives को चाहिए. On the other hand, liberals people are there who are saying कि no, we need rights, we need constitution, we don't want to be ruled arbitrarily. हमें जो है पुराने ज़माने में जो आप लोग रूल किया करते थे, राजा लोग जो रूल किया करते थे, अपने हिसाब से सेंट्रलाइज पावर होता था, रिप्रेसिव होता था, वो रूल नहीं चाहिए, ठीक है? सो एक तरीके से लड़ाई चल रही थी. ओके, अब तीन रेवोल्यूशंस हुआ. लिबरल्स जो है वो दिन पर दिन asking for power, demanding for more and more power, and ultimately since 1830, from 1815 to 1830, people kind of tolerated this conservatism, they tolerated censorship, and later on what happened, the volcano erupted, okay, and you get three eminent revolutions, France, Belgium, and in Greece. So let's study from the France. यस पांडा बोलो. हाय अतुल, होमवर्क सबमिट करने के लिए आपको बाद में बच्चों जस्ट यू जस्ट हैव टू आंसर का कमेंट करना होता है आंसर. आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी इस सेशन के अंदर, ठीक है? तो फर्स्ट अपहेवल टुक्स प्लेस इन जुलाई इन फ्रांस इन 1830, जुलाई रेवोल्यूशन. अर्लियर ऑल्सो ऑन 14 जुलाई 1789 द पीपल ऑफ फ्रांस हैव डन रेवोल्यूशन. Once again they are ready for the revolution. और जुलाई में जुलाई रेवोल्यूशन होता है. जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं 1815 से, ठीक है? 1815 में यू ऑल नो दैट ड्यूक मिटर्निक हैज़ होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना, द ट्रीटी ऑफ वियना, एंड देयर द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन टू द पावर इन फ्रांस एंड लुई 18 वॉज मेड द किंग. ये लुई 18 जी हैं, ठीक है? लुई 18 हेल्थ बिगैन टू फेल इन द स्प्रिंग ऑफ 1824. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ओबिसिटी. ओबिसिटी का मतलब क्या होता है? वेन अ पर्सन इज एक्सेसिवली फैट, ठीक है? आप लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, वेन द बी एम आई इंडेक्स गोज अबव 30 देन द पर्सन इज कॉल्ड ओबीस्ड. तो ये ओबिसिटी की वजह से लुई 18 जो है वो बहुत बीमार रहा करता था, रूल नहीं अच्छे से कर पा रहा था, एंड 1824 में ही डाइड. एंड दिस इज द कैरिकेचर ऑफ लुई 18 जिसमें ये दिखाया जा रहा है.
Now in 1824 what happened, his cousin, उनका एक कजन था चार्ल्स टेन, वो उनको राजा बनाया गया. नाउ चार्ल्स टेन वॉन्टेड टू रूल लाइक द किंग्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड, जो 1789 के पहले जिस तरीके से राजा वगैरह रूल करते थे. दे यूज टू चार्ज टैक्सेस एंड दे यूज टू suppress the rights of people, they used to suppress the voice of people, they used to give their subjects punishment for every little things. तो इस तरीके से चार्ल्स टेन ने रूल करने की कोशिश की. बट जनता तो देखो एक बार ऑलरेडी रेवोल्यूशन कर चुकी है. दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड द डेमोक्रेसी वंस, दे ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. सो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट फर्दर, राइट. तो 1824 से 1830 तक चार्ल्स टेन ने रूल करने की कोशिश की, काफ़ी रिप्रेसिव तरीके से रूल करने की कोशिश की. लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया चार्ल्स टेन का रूल. एंड अबव ऑल गाइस, इन जुलाई 1831 ऑर्डिनेंस वॉज पास्ड बाय द किंग. ऑर्डिनेंस इज व्हाट इट इज, काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके. एंड एज पर दैट ऑर्डिनेंस यू विल बी सरप्राइज टू नो, यू विल बी अमेज टू नो दैट वॉट किंग डिड, ही टुक अवे द वोटिंग राइट्स फ्रॉम एवरी वन. सबसे वोटिंग राइट ले लिया और सिर्फ 2% पीपल को ही एलिजिबल रखा गया टू गिव वोट्स, जस्ट 2% ऑफ द पीपल. एंड एक चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज होता था, जैसे कि हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसको भी डिसमिस कर दिया गया. सो पीपल गॉट रियली एंग्री, दे केम आउट ऑन द रोड्स ऑफ पैरिस, दे डिड रेवोल्यूशन एंड चार्ल्स टेन वॉज एबडिकेटेड फ्रॉम द थ्रोन. उनको थ्रोन से हटा दिया गया, उनको उनको उनकी राजगद्दी से हटा दिया गया. एंड डेफिनेटली एक और राजा जो है उनके प्लेस पे लाया गया, उनका नाम था लुई फिलिप. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेट अप इन 1830. यहां तक समझ आया सबको? हाँ जी, मोटापा से मर गया था वो, मोटापे से. और जो वीडियो लाइक नहीं कर रहा है जल्दी जल्दी से लाइक कर दो. Understood, students? Yes, ma'am. Okay, Aranya. Okay, Arman. So, this is what happened in France. Now, once the revolution has happened in France, now you know nobody can stop Europeans from doing further revolutions, right? तो यहाँ पर देखो आपके पास एक question है जिसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए जल्दी जल्दी से. हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ फ्रांस इन जुलाई 1830? चार्ल्स टेन, लुई 18, लुई फिलिप और ड्यूक मेटर्निक. आफ्टर द रेवोल्यूशन हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग? आफ्टर द रेवोल्यूशन यू हैव टू टेल. ओके, सुपन ज्योत, प्रमलेश, आयुष, सुमित, मानस, मनोज, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. After the revolution, Louis Philippe was made the king. And before Louis Philippe, who was the king? ये बता दोगे तो फिर तुम सारे मेरे बहुत ही फेवरेट बच्चे बन जाओगे, because this is a difficult one. Before Louis Philippe, who was the king? जल्दी जल्दी से बताओ. Charles Ten, yes, Ayush, very good everyone. Ayush Ten, Aranya, Manas, बहुत अच्छा, मतलब समझ तो आ गया. तो इन शॉर्ट 1815 में लुई 18 आया, जिसका रूल लोगों को नहीं पसंद आया. वो ओबिसिटी से सफ़र कर रहा था, थोड़ा सा बीमार हो गया था. फिर 1824 में उनकी डेथ हो जाती है, चार्ल्स टेन आ जाते हैं उसकी जगह पे, उनके भाई साहब जो बहुत ही स्वैग के साथ आते हैं, बोलते हैं मैं तो भाई बहुत पुराने ज़माने की तरह से रूल करूँगा, जैसे 1789 से पहले राजाओं का स्वैग होता था वो चाहिए मुझे. लेकिन जनता ने उनको बता दिया कि हम हैं, राइट. कि जनता जो है वो भी बुद्धू नहीं है, जनता को पता है कि राइट्स क्या होता है, जनता को पता है कि हम चाहे तो हम भी रूल कर सकते हैं, ठीक है. ओके, सो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन? द इफेक्ट ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन वॉज दैट नाउ द people who are residing in the neighborhoods of France, they have also started realizing that yes, we will also have to do the revolution. Okay, so when France sneezes, the rest of the Europe catches cold. This was once remarked by Duke Metternich, because whenever anything happens in France, it starts to spread all over in the Europe. So since everything used to start with France and then it would spread to Europe, this was the reason why
ड्यूक मिटर्निक सेड सो. सो नाउ फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया, तो अगल बगल के जो एरियाज हैं वहाँ पे भी रेवोल्यूशंस होने शुरू होते हैं. एंड बच्चों, जुलाई में यहाँ रेवोल्यूशन हुआ, अगस्त में रेवोल्यूशन आपको होता हुआ दिखता है बेल्जियम में. बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ये तुमको बहुत अच्छा भी लगेगा बिकॉज पावर शेयरिंग में भी ये काम आने वाला है. 1815 के पहले बेल्जियम वॉज एन इंडिपेंडेंट नेशन या इंडिपेंडेंट किंगडम था, लेकिन 1815 में यू पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग, कल मैंने पढ़ाया था आपको कि जो एक ग्रैंड एम्पायर था ना नेपोलियन का, उसको सारे राजाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था. फ्रांस वॉज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स टेरिटरी, फ्रांस की जो भी टेरिटरी नेपोलियन ने कैप्चर करी थी वो सारी टेरिटरी सबको वापस कर दी जाती है. लुई 18 को इसी बात के लिए, इसी डील के साथ राजा बनाया गया था, ठीक है. तो यहीं पर बेल्जियम भी सफ़र करता है और बेल्जियम एंड हॉलैंड दोनों को मिला करके एक नया किंगडम तैयार कर दिया जाता है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. ओके, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स कब बना है? इट वॉज मेड इन 1815 आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना. एंड इसमें कौन सी दो जगह हैं? बेल्जियम भी है और हॉलैंड भी है, ठीक है. नाउ द पीपल ऑफ बेल्जियम डोंट वॉन्ट टू बी इन द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बिकॉज वंस दे वर इंडिपेंडेंट, राइट. सो वॉट दे डिड रेवोल्यूशन. एंड क्यों रेवोल्यूशन किया, तो इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है, बुक में नहीं है. तो बच्चों, जब यहाँ पर किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बना ना, तो किंग विलियम वन को राजा बनाया गया, जो कि एक प्रोटेस्टेंट किंग था. यू नो क्रिश्चियनिटी इज काइंड ऑफ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं, एक कुछ होते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस. तो बेल्जियम में बहुत सारे कैथोलिक लोग जो हैं वो रहा करते थे, वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे, जो लोग थे, वो मोस्टली कैथोलिक ही हुआ करते थे. अब राजा तो है प्रोटेस्टेंट राजा वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल the subjects who are Catholic people. Now obviously लोगों को के religion से related कुछ भी बात बोलो तो उनको तो बहुत बुरा लगेगा ही. तो Catholic लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया विलियम वन का रूल. एंड दीज पीपल डिड द रेवोल्यूशन टेकिंग लिटिल बिट ऑफ यू कैन से इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रांस से इंस्पिरेशन लिया. इन लोगों ने भी लड़ाई करी एंड बेल्जियम गॉट फ्रीड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स ऑन 4th October 1830. Now ये बच्चों थोड़ा सा important point है. 4th अक्टूबर 1830 को बेल्जियम जो है वो आज़ाद हुआ है. इंडिपेंडेंस डे जो होता है, द डे ऑन विच बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंट इज 4th अक्टूबर 1830. लेकिन इनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाया जाता है 21st जुलाई को, ठीक है. अब इसके पीछे भी कुछ रीज़न है. 1890s के आसपास 21st जुलाई को इनको बिल्कुल वो जो मोनार्की होती है ना उससे फ्री किया गया था. इसके बाद भी 4th अक्टूबर 1830 के बाद भी बेल्जियम फ्री तो हो गया था, बट देयर वॉज सम काइंड ऑफ मोनार्की वॉज देयर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या जो भी होगा. तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है. 14 अक्टूबर 1830 को ये आज़ाद हुए, लेकिन इंडिपेंडेंस डे वहाँ पे 21st जुलाई को ही मनाया जाता है. सो ये येस इन बेल्जियम ऑल्सो रेवोल्यूशन हैपेंड. सो बेल्जियम गॉट फ्रीड फ्रॉम द किंगडम ऑफ ए नीदरलैंड्स, बी ऑस्ट्रिया, सी हॉलैंड और डी प्रूशिया. लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट. Yes, Avanish, I can definitely get you NCERT word to word explanation. Don't worry, beta. And all of you, my aim is 150 likes, just 150 likes, bacho, and 1.5 views. Can you all help me out with that? I hope so. Tum log definitely 150 likes karwa doge na. A, okay. Amazing, yaar. All of you have given the correct answer. Manas, Charan, Ashutosh, Namanita, Ritik, Umang, Harsh, Ayush, Akansha. And some of you are very consistent. Like you people are enjoying this challenge, 10-day morning challenge, and you are coming regularly. Thank you so much for that. Thank you, Varish. Yes, correct answer is A. Amazing, amazing guys. Bahut acha. Now, Greek War of Independence. This is something, the real true story जो है ना Greek War of Independence की. इसके जो true warriors हैं, मुझे लगता है poets और जो artists थे उनको बोला जाएगा कि उन लोगों ने ये जो है ना लड़ाई करी अपने कलम से. बोलते हैं ना pen is mightier than sword. सुना है क्या सबने pen is mightier than sword? ये जो पूरा का पूरा कहानी है पेन इज माइटर देन सॉर्ड,
ये जो प्रोवर्ब है इट इज अप्रोप्रिएट फॉर ग्रीस, हाउ ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंट. सबसे पहले तो ग्रीस पे रूल कौन कर रहा था? ओटोमन एम्पायर रूल करता था फ्रॉम द 15th सेंचुरी. एंड ग्रीस इज प्रीडोमिनेंटली एक क्रिश्चियन रिलीजियन वाला कंट्री था, बट ओटोमन एम्पायर के आने के बाद वहाँ पर थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए थे. एंड दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ईयर 1821. इसलिए ये पिक्चर के पीछे भी आपको थोड़ा सा धुंधला सा यहाँ पे 1821 दिख रहा होगा. ठीक है, तो ये 1821 से ही लड़ाई कर रहे थे अपने आज़ादी के लिए. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि ग्रीस के अंदर पहले रहा करते थे, दे ऑल लेफ्ट ग्रीस एंड दे हैव स्टार्टेड लिविंग इन एग्जाइल. ये सारे लोग जो है ना पूरे यूरोप के अंदर जा करके और ग्रीस छोड़ चुके हैं और कहीं पे भी यूरोप में रह रहे हैं. नाउ मतलब तुम समझ रहे हो, ग्रीस में लोगों को आज़ादी चाहिए, बट जिन लोगों को आज़ादी चाहिए दे आर वेरी लेस इन नंबर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रीक पीपल हैव एग्जाइल्ड, वो वहाँ से निकल चुके हैं इस एरिया से. नाउ वॉट पोएट्स एंड आर्टिस्ट डिड हियर, इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? इस पिक्चर को देख के आपको ये समझ में आता है दैट द फीमेल्स, मेल्स, किड्स, एवरीबॉडी वॉज सफरिंग अ लॉट, सफरिंग अ लॉट इन ग्रीस बिकॉज ऑफ दिस ओटोमन एम्पायर. ठीक है, एंड वेन द पीपल हु आर रिसाइडिंग अवे फ्रॉम देयर मदरलैंड दे सॉ दिस पिक्चर्स, दे स्टार्टेड फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि बच्चों जैसे लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पैदल अपने घर की तरफ निकल गए थे या साइकिल से जा रहे थे. उनको अगर कोई नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस जो फॉरेन में रह रहे हैं वो लोग देखते होंगे तो उनको कितना बुरा लगता होगा ना. हम लोगों को तो लगता ही था, तो ऑब्वियसली उन लोगों को तो और भी ज़्यादा बुरा लगता होगा कि यार मेरा जो मदरलैंड है वहाँ पर लोग कितना सफ़र कर रहे हैं. सेम काइंड ऑफ फीलिंग दिस एडुकेटेड ग्रीक पीपल हु हैव एग्जाइल्ड वॉज गेटिंग. ये लोग को क्या लग रहा था, यार हमारे यहाँ पे तो लोगों की हालत बहुत ख़राब है. एंड दैट इज़ वाई दे डोनेटेड फंड फॉर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, एंड मैनी ऑफ देम इन फैक्ट पार्टिसिपेटेड इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वन सच पोएट वॉज लॉर्ड बायरन, जिसने हर जगह जा जा करके लोगों को क्या बोला, ग्रीस इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. ठीक है, पॉपुलराइज किया गया कि ग्रीस जो है वो बर्थ प्लेस है यूरोपियन सिविलाइजेशन का. क्रैडल इज द क्रिब, क्रिब होते हैं उससे बच्चे को जो लाते हैं, ऐसे क्रिश्चियनिटी का ये क्या है, बर्थ प्लेस है, ऐसे बोला गया. एंड पीपल डिड रेवोल्यूशन, द ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंट इन 1832 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल इज द ओल्ड नेम ऑफ इस्तानबुल. ठीक है, प्रेजेंटली कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तानबुल कहा जाता है. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है बच्चों को लंदन में हुआ था 1832 में, जिसमें ग्रेट पावर्स ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस एंड ओटोमन एम्पायर ने पार्टिसिपेट किया एंड दे म्यूचुअली डिसाइडेड कि ग्रीस को अब आज़ाद कर देना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपको ये कंट्रीज नहीं याद रहती हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, यू नो मिस्टर ब्राइट, टुडे आई गेट यू ऑल टू मीट विद मिस्टर ब्राइट, और मिस्टर ब्राइट के पास बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं. ठीक है, तो मिस्टर ब्राइट का ही ये ट्रिक है बच्चों. MRF होता है ना, MRF टायर, वहाँ पे MRF की तरफ की जगह पे आप BRF कर दो, BRF वर्सेस ओटोमन एम्पायर. सो ये हो गया ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस वर्सेस ओटोमन एम्पायर. अंडरस्टूड? ओके लवेबल गाय. And guys, those who have not liked the video, I again request you all, please do like the video. Dash is called the cradle of European civilization. Netherlands, Austria, Holland or Greece, which place was to be called cradle of European civilization? Thank you, Anisha. Samriddhi, today I will share the PDF beta on the Telegram channel. The link of the Telegram is there in the description box. Please people go and follow it. And agar aapko link nahi mil raha hai to @quest10thcbsc ye ja karke likhna Telegram pe, wo wala channel join kar lo, Unacademy Toppers ka hai, and I will share the notes there as well. Yes, all of you have given the correct answer. Pramlesh, Shupanjot, Manoj, Rabi.
खुशी शेखर शेखर आकांक्षा अरण्या मनोज मेंटी अभी होगा डोंट वरी सो द ग्रीस इज द करेक्ट आंसर. अब हम आ जाते हैं एक बहुत जो मैंने बोला ना पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड गाइज एंड सिंस ये पूरा 1830 से लेकर के 1848 वाला जो रेवोल्यूशन है इट हैज बीन डन बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल. तो एजुकेटेड लोगों का लड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है राइट. दे विल नॉट जस्ट स्टार्ट फाइटिंग विद द स्वॉर्ड कि गए और जा करके बस लड़ाई करना शुरू कर दिया ढिशुम ढिशुम करना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं होता. एजुकेटेड लोग क्या करते हैं अगर उनको कुछ बात कहनी होती है ना तो वो अपनी आवाज़ उठाते हैं राइट. तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे एक कल्चरल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है यूरोप के अंदर. एंड जितने भी ये पोएट हैं आर्टिस्ट हैं या जो ऑथर्स होते थे जो बुक्स वगैरह लिख सकते थे दे स्टार्टेड अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन कॉल्ड रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों जो आर्टिस्ट होता है जो पोएट होता है वो लोगों के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एनकरेज करता है ठीक है. ही दे ट्राई टू क्रिएट नेशनलिज्म अमंग द पीपल बट हाउ थ्रू आर्ट पोएट्री स्टोरीज एंड म्यूजिक. सो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स क्रिएट किए गया लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट को एनकरेज किया गया थ्रू आर्ट स्टोरीज एंड म्यूजिक. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ कल्चरल मूवमेंट. नाउ वेरी फ्यू ऑफ यू नो दैट ऑन द वन साइड इन यूरोप दिस कल्चरल मूवमेंट कॉल्ड रोमांटिसिज्म वॉज गोइंग ऑन एंड पैरेलली देयर वॉज अनदर मूवमेंट ऑल्सो गोइंग ऑन एंड इट्स नेम इज रियलिज्म ठीक है. बहुत अमेजिंग ये फैक्ट है बच्चों. अगर तुम लोगों को ये पढ़ना हो ना तो कभी क्लास 12th का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री होता है ना एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जा करके थोड़ा सा पढ़ना आपको समझ में आएगा. बहुत अमेजिंग एक रेवोल्यूशन चल रहा था रियलिज्म का जहाँ पर ये जो साइंस वगैरह के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे ना दे यूज टू ब्रैग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वो बोलते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ट है दे आर द नेक्स्ट फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द नेशंस. ऑन द अदर हैंड रोमांटिक आर्टिस्ट जो होते थे वो ग्लोरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे ठीक है. दे हैड मोर अट्रैक्शन और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द ह्यूमन इमोशंस ह्यूमन फीलिंग्स की तरफ रोमांटिक आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादा ध्यान देते थे ठीक है. और रोमांटिसिज्म में होता क्या था कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जिसको तुम देख नहीं सकते सिर्फ फील कर सकते हो उसको एक इमेज देने की कोशिश की जाती थी ठीक है. जैसे कि बच्चों फ्रीडम आज़ादी को हम देख नहीं सकते राइट. लेकिन आज़ादी को अगर मुझे पेंटिंग के थ्रू दिखाना होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ आई कैन मेक अ पिक्चर ऑफ अ स्मॉल बेबी बिकॉज एक छोटा सा जो बेबी होता है वो बिल्कुल फ्री होता है राइट. ही वुड डू जो भी उसको करना होगा वो अपने हिसाब से करेगा खाएगा पिएगा है ना पॉटी सुसू करेगा किसी से भी नहीं पूछेगा. तो समथिंग लाइक दैट वॉज द कॉन्सेप्ट. रोमांटिसिज्म में क्या करते थे जो हमारे आर्टिस्ट होते थे वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पोट्रे करते थे. जैसे यहाँ पर आप देखो लॉ को पोट्रे किया गया है कानून के आँख अंधे होते हैं ऐसा बोला जाता है ना. दैट मीन्स कानून जो होती है वो इमोशंस पे ध्यान नहीं देती वो फैक्ट्स एविडेंस पे ध्यान देती है और सबको इक्वल ट्रीट करती है. एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ राइट. कोई भी क्राइम करेगा सेम क्राइम किया तो सेम पनिशमेंट मिलेगा दो लोगों को. तो ऐसा दिखाया जाता था. सो व्हाट वाज रोमांटिसिज्म गाइस कल्चरल मूवमेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट लिबरल मूवमेंट और मास मूवमेंट जल्दी जल्दी से बता दो. बिकॉज रेवोल्यूशन अगस्त में हुआ इंडिपेंडेंस फाइनली उनको जाकर के अक्टूबर में डिक्लेयर किया गया. पहले क्या होता था ना बेटा ये एक डाउट आ रहा है बहुत अच्छा बच्चे का सुपनजोत का. पहले क्या होता था देखो आपने रेवोल्यूशन कर दिया है लेकिन बाद में जब ट्रीटी होएगी तब जाकर के आपको जो भी स्टेटस है वो दिया जाएगा. सो ट्रीटी मस्ट हैव गॉट साइंड इन अक्टूबर इसीलिए 4th October 1830 उसका इंडिपेंडेंस डे कंसिडर किया जाता है. यस आरएसवाईटी वॉरियर शिवांश हैज ऑल्सो ज्वाइन थैंक यू यार. Yes, bird is flying away from the cage. That means peace. Very good, beta. Upender, Akriti, Khushi. Bahut acha. So the correct answer is cultural movement. Now, how romanticism spread in Germany? The whole credit goes to few of the philosophers like Johann Gottfried Herder. And there's also Grimm Brothers. Uske baare mein ek chota sa box diya hua hai. Zarur padhna hai aapko. That is kind of homework for you all, okay? ग्रिम ब्रदर्स जो थे वो फेरी टेल्स लिखा करते थे
और वहाँ के फोक टेल्स को कलेक्ट किया हुआ था उन्होंने. इनफैक्ट आज में आजकल जो तुम डिज्नी के कैरेक्टर्स देखते हो ना, दे आर समवेयर इंस्पायर्ड फ्रॉम द फेरी टेल्स ऑफ ग्रिम ब्रदर्स ओनली. ओके, तो यहाँ पर जर्मनी के अंदर रोमांटिसिज्म आया. एंड योहान गॉटफ्रिड हर्डर जैसे फिलोसफर्स जो थे, दे सेड कि अगर किसी भी नेशन को आपको जानना है, किसी भी नेशन को अगर आपको समझना है, और एक एक अगर आपको वहाँ की क्वालिटीज लोगों की जाननी है, तो जाइए और जा करके वहाँ के कॉमन लोगों के कल्चर को समझने की कोशिश करिए. ठीक है, सो द ट्रू स्पिरिट ऑफ अ नेशन कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. अगर किसी को इंडिया घुमाना है, इफ आई टेल देम कि चलो चलो बॉम्बे में आप लैंड होगे, और बॉम्बे में सारी अच्छे अच्छे जो 5-स्टार होटल्स हैं और जो बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज के घर हैं वो देख लो, एंड यू विल गेट अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंडिया. सो आई विल बी करेक्ट और इनकरेक्ट एट दैट टाइम? बोलो, मैंने सही कहा होगा या गलत कहा होगा? बॉम्बे आओ, सारे सेलिब्रिटीज का घर देख लो, और दैट इज इंडिया माई डियर फ्रेंड. डू यू गाइज अग्री विद मी नाउ? इनकरेक्ट, राइट? खुशी तो ने तो बोला मैम आई डिसअग्री. यस, आई ऑल्सो इनफैक्ट डिसअग्री विद दैट स्टेटमेंट. ट्रू पिक्चर जो है वो हमेशा कॉमन पीपल कॉमन कल्चर के थ्रू दिखता है. अब द कॉमन पीपल को क्या बोलते हैं बच्चों जर्मन लैंग्वेज में? डाफोक. और नेशन को क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में? फोक चीज. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखना, 1 मार्क का आता है. ओके, नाउ हाउ रोमांटिसिज्म हैपेंड इन पोलैंड? तो पोलैंड जो है ना बच्चों, उसको डिवाइड कर दिया गया था 1815 के अंदर. मैंने बोला ना जैसे बेल्जियम के साथ हुआ, ऐसे किंगडम्स आपस में डिवाइड कर दिए जाते थे, तो ऐसा ही सेम पोलैंड के साथ भी हुआ था. ठीक है, पोलैंड वॉज एन इंडिपेंडेंट नेशन बिफोर 1815, बट आफ्टर 1815 व्हेन द कांग्रेस ऑफ वियना वॉज होस्टेड बाय ड्यूक मेटर्निक, इट वॉज डिवाइडेड अप इंटू रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. तीनों में बांट दिया गया था पोलैंड को. नाउ द पोलैंड पोलिश पीपल स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर द इंडिपेंडेंस जस्ट लाइक द पीपल ऑफ बेल्जियम. इन लोगों ने भी स्ट्रगल करना शुरू किया. अब यहाँ पर कैरल कर्पिंस्की जो है, उन्होंने क्या किया, जितने भी इनके स्ट्रगल थे ना, लड़ाइयाँ जो थी आज़ादी के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, उनको म्यूजिक का फॉर्म दे दिया. ब्यूटीफुल, राइट? ओपेराज जो होते हैं वो एक स्टेज का स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है जिसमें आप गाना ही गाते हो लेकिन लिरिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, इतना लिरिक्स नहीं होता ओपेरा के अंदर. एंड ही टर्न फोक डांसर्स पोलोनाइज एंड माजुर्का इंटू नेशनलिस्ट सिंबल. फोक डांसर्स जैसे हमारे यहाँ पे भी होते हैं भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, ऐसे ही यहाँ पे पोलोनाइज माजुर्का जो दो डांस था, फोक डांस था, उसको नेशनल सिंबल में कन्वर्ट कर दिया गया. और तो और बच्चों, पोलैंड के अंदर लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इन पोलैंड देयर वॉज रशियन ऑक्यूपेशन, राइट? और रशियन लैंग्वेज हर जगह पे इम्पोज किया जा रहा था फोर्सिबली. हर स्कूल से पोलिश लैंग्वेज हटा करके रशियन लैंग्वेजेस की बुक पढ़ाई जाएगी. दिस वॉज बींग डन इन पोलैंड. बट यहाँ के जो लोग थे, दे यूज लैंग्वेज एज अ वेपन. दे नेवर एवर स्पोक इन रशियन लैंग्वेज, दे ऑलवेज यूज टू टॉक इन पोलिश लैंग्वेज इट सेल्फ. तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं वो फर्दर स्ट्रांग हो गए. लेकिन बच्चों, ये हम बात कब तक की कर रहे हैं, 1830 से 1848 की. एंड 1848 वॉज वन सच ईयर वैन द पीपल ऑफ होल ऑफ द यूरोप वॉज सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ हार्डशिप. ओके, तो 1848 में फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो उस इमेज के अंदर कि लोग जो हैं फ्रांस का जो झंडा है ट्राई कलर फ्लैग लेकर के वापस से इन मॉन्यूमेंट्स में चढ़ गए हैं और रेवोल्यूशन करते हैं. ठीक है, द रीज़न वॉज वॉट? द रीज़न वॉज 1830 से ही लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे थे. लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सीकर्स ऑफ जॉब ज़्यादा हैं, जॉब इज़ वेरी लेस. वाई जॉब्स आर लेस? द वन रीज़न इज़ दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हो चुका है, वहाँ पर मशीन वगैरह आ चुकी है, और अभी धीरे धीरे फ्रांस में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है. और आप ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे कि मशीन्स के आने की वजह से लोगों की नौकरियाँ भी जा रही थी. ठीक है, एंड शहर के अंदर देयर वर मेनी पीपल हु यूज टू कम टू गेट अ जॉब, टू फेच अ जॉब, बट एक्चुअली में किसी को भी नहीं मिल रही थी वहाँ पर नौकरी. और शहर के अंदर पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था ड्यू टू माइग्रेशन. लोग और ज़्यादा माइग्रेट करके आ रहे हैं जॉब के लिए. एंड ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज फूड प्राइजेस स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी था बच्चों शहर के अंदर,
क्योंकि अब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वहाँ से भी मशीन मेड्स गुड आ रहा है. एंड पेरिस के अंदर, पेरिस वाज द ओनली सिटी यू कैन सी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था. तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है नौकरी को लेकर के. एंड अरिस्टोक्रेसी जो है वो अभी भी इंजॉय कर रही है. ऑन द अदर हैंड, अरिस्टोक्रेसी इज लिविंग रियली सुपरबली कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस लाइफ. ऑन द अदर हैंड, रेस्ट ऑफ द पीपल इन द यूरोप आर स्ट्रगलिंग टू इवन मेक द बोथ एंड्स मीट. वो तो उनको खाना भी नहीं मिल रहा. फॉर ब्रेड ऑल्सो दे हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग लॉन्ग क्यूज एंड दे हैव टू वेट फॉर लाइक 20 to 18 hours. एक लोफ ऑफ ब्रेड वॉज कॉस्टिंग लाइक अ बैग फुल ऑफ मनी. तो ऑब्वियसली यही सेम रीज़न था 1789 के अंदर भी सब्सिस्टेंस क्राइसिस के चलते लोगों ने रेवोल्यूशन किया था. अगेन द सिचुएशन वॉज ऑलमोस्ट लाइक द सेम, वापस वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं. तो जनता तो रेवोल्यूशन करेगी भैया, यहाँ की जनता रेवोल्यूशनरी मोड में है ही ऑलरेडी. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा था, पीपल ऑफ पेरिस केम आउट ऑन द रोड, दे डिड द रेवोल्यूशन. एंड वॉट वॉज द रिजल्ट? द रिजल्ट वॉज रिपब्लिक इन फ्रांस. ओके, सो यू हैव टू टेल मी नाउ इन विच पार्ट ऑफ द यूरोप इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड. मैंने ये कल भी आपको एक्रोनिम बताया था, EFG. जल्दी जल्दी से बताऊँ. ए, यस, वेरी गुड. इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी. इस क्रोनोलॉजी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था. ठीक है, अब देखो एक बहुत बड़ा रीज़न जो है ना बच्चों रेवोल्यूशन करने का, वो है लुई फिलिप. यू ऑल नो 1830 में लुई फिलिप को राजा बनाया गया था, राइट? किसको हटा करके? चार्ल्स टेन. ठीक है, चार्ल्स टेन कब राजा बने थे? 1824 में, जब लुई 18 ओबिसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से ही डायट. अब चार्ल्स टेन को हटा करके लुई फिलिप को जब राजा बनाया था, तो इसलिए बनाया था ना कि दैट ही विल गिव लिटिल बिट ऑफ कम्फर्ट टू द पीपल, ही विल रूल अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल. बट एक्चुअली दिस डिड नॉट हैपन. वट लुई फिलिप स्टार्टेड डूइंग, ही स्टार्टेड काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग द ब्राइब फ्रॉम द चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज. चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज क्या होते थे बच्चों? दे वर द कैबिनेट मिनिस्टर्स. देखो, अगर मैंने कुछ लोगों को काम पे लगाया है और वो लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड मुझे आकर के सारा ब्राइब कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली कौन सफर करने वाली है? जनता. ठीक है, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जब काम नहीं करते हैं ना, तो हालत जो है वो अच्छी नहीं होती देश की. ये जो कैरिकेचर है ना, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज थे, जिनको एक्चुअली जनता के लिए काम करना था, दे यूज टू ब्राइब लुई फिलिप. और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो मनी है ना, मनी या पैसा जो है वो रोल करके यहाँ पे, इनकी टंग बहुत लंबी सी है, उनके अंदर भरा जा रहा है. ठीक है, ब्राइब दिया जा रहा है. और इन रिटर्न लुई फिलिप क्या कर रहे हैं, इन सारे लोगों को ऑनर्स दे रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं, अच्छे अच्छे टाइटल्स दे रहे हैं, बट एक्चुअली में जनता का कोई काम नहीं कर रहा. ठीक है, ये जो पैसे हैं विच शुड हैव बीन स्पेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल इज नॉट बीइंग स्पेंट. तो ऑब्वियसली जनता रिवोल्ट करेगी, राइट? तो यहाँ पर जनता ने रेवोल्यूशन किया. एंड फ्रेंच पीपल, वी वॉन्ट रिपब्लिक एंड दे गॉट द रिपब्लिक इन 1848. ऑल दीज कॉजेज ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पैरिस आउट ऑन द रोड. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली. लुई फिलिप को भगा दिया गया. फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक. फर्स्ट पॉइंट, जितने भी लोग थे, अडल्ट मेल्स थे 21 ईयर एंड अबव, सबको वोटिंग राइट्स दे दिया गया. एंड नेशनल वर्कशॉप्स बनाए गए सो दैट सबके पास जॉब्स हो. अंडरस्टूड? ओके गाइस, व्हाट यू पीपल आर टॉकिंग? ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंड कि फ्रांस जो है वो अब रिपब्लिक बन चुका है 1848 में. ऑन द अदर हैंड माई डियर स्टूडेंट्स, 1848 में ये सारे प्लेसेस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सारी जगह जो हैं, इन सब जगहों पर अभी भी मोनार्की थी. सो दे ऑल्सो थॉट कि यार फ्रांस जो है वहाँ पर रिपब्लिक आ गई है, बेल्जियम आज़ाद हो चुका है, ग्रीस आज़ाद हो चुका है, तो हम क्यों वेट करें? हम लोग भी आपस में
यूनिफाई हो जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं और एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लेकर आते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, ठीक है. सो ऑल दिस प्लेसेस ऑल्सो, इन ऑल दिस प्लेसेस लिबरल्स गेट एक्टिव एंड लिबरल्स ने क्या बोला कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए. ओके, एंड द रिजल्ट वॉज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. द पीपल फ्रॉम जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, मैन, वुमेन, दे वर ऑल came together, they all came together to form a country, a nation. Unification करना चाहते थे ये लोग. So they framed a constitution, एक constitution बनाया और आपस में ही 831 लोगों को elect किया कि हम सब चलेंगे राजा के पास proposal लेकर, constitution लेकर के, और राजा को बोलेंगे कि आप हम पे rule तो कर सकते हो लेकिन अब आपको constitution के हिसाब से rule करना पड़ेगा, हमें freedom of press चाहिए एंड हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए. सो कीपिंग ऑल दिस माइंड, ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी सेंट पॉल चर्च के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उसको कन्वीन किया गया और सारे मेम्बर्स वहाँ पे थे. बट वहाँ पर जा कर के बच्चों जो जर्मनी या बोलो प्रूशिया का जो राजा था किंग विलियम वन, उसको क्राउन ऑफर किया गया बट ही रिजेक्टेड द क्राउन. कोई भी राजा को अगर बोलोगे आप ये रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से रूल करो, कोई नहीं मानेगा, राइट. तो यही हुआ यहाँ पे भी. एंड फ्रेडरिक विलहम फोर जो है इसने, अच्छा फ्रेडरिक विलहम फोर जो है इसने मना कर दिया कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं अग्री करूँगा. इसका बहुत बड़ा रीज़न ना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की सिटिंग अरेंजमेंट एंड पूरा का पूरा माइंड सेट भी था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर गाइज, यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा बिल्कुल यहाँ टॉप पे, ये क्या है, जर्मीनिया है, ठीक है. ये एक फीमेल एलिगरी है जर्मनी नेशन का. ये जो 831 रिप्रेजेंटेटिव दे वांटेड टू क्रिएट दिस न्यू नेशन, उसकी ये एलिगरी होने वाली थी जिसको पेंट किया था फिलिप वीट ने, ठीक है, कॉटन के कैनवस पे. यहाँ पे कर्टन्स तुमको दिख रहे हैं, ये कर्टन्स जो हैं वो जर्मनी के कलर्स हैं, गोल्डन, ब्राउन एंड रेड, ओके. एंड यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अलग थी. यहाँ पे सारे जो मोनार्क्स वगैरह हैं वो बैठे हुए थे, यहाँ सारे लिबरल्स इंडस्ट्री के ओनर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे वर्कर्स बैठे हुए थे और जो फीमेल्स थी वो सिर्फ एज स्पेक्टेटर्स ऊपर गैलरी में खड़े होकर के पूरा इवेंट देख रही थी. तो काफ़ी आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव दिख रहा है तुमको, डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है. एंड दिस वॉज ऑल्सो वन रीजन व्हेन फ्रेडरिक विलहम फोर वॉज ऑफर्ड द क्राउन, ही सेंस द काइंड ऑफ यू कैन से टेंशन बिटवीन ऑल दीज पीपल एंड डिसअग्रीमेंट्स बिटवीन अमंग दीज मेम्बर्स, 831 मेम्बर्स. एंड उसने जंकर्स, वेल्दी लैंड ओनर्स की मदद से ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट क्रैश कर दिया. कोई रिजल्ट नहीं निकला बच्चों, इनफैक्ट ये पार्लियामेंट जो है वो फेल हो गया. ओके, सो यहाँ पे देखो, द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्की एंड जंकर्स. ये जो 831 मेंबर्स आए इनका पूरा इनिशिएटिव जो है वो खत्म हो गया, बिल्कुल क्रश कर दिया गया. और यहाँ पे फ्रेडरिक विलियम फोर का एक कार्टून है, बड़ा फेमस कैरिकेचर है जो तुमको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा. ही इज होल्डिंग द क्राउन एंड एक्चुअली ही इज वेरी हैप्पी that I did not accept constitutional monarchy. मैंने अपना क्राउन बचा लिया है, ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है. बड़ी क्यूट सी फोटो है, बट ये आपको बहुत सारी जगह पे ऐसे कैरिकेचर्स दिख जाएंगे. बट डेफिनेटली कंजर्वेटिव डिड लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस रेवोल्यूशन. 1830 से 1848 तक ये जो लगातार रेवोल्यूशन हुआ है, लगातार जो लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाई ही लड़ाई, उससे कुछ तो सीखा हमारे कंजर्वेटिव लोगों ने. ये सीखा कि अब हम पुराने तरीके से रूल नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा लिबर्टी देना पड़ेगा जनता को, वरना जनता फिर से रेवोल्यूशन कर देगी. ओके, नाउ द वेट इज ओवर फॉर द मेंटी गाइस. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है. एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गिव यू मेंटी जो है वो करवाने वाली हूँ. आज का मेंटी सुपरबली अमेजिंग होने वाला है बच्चों, बिकॉज ना मैंने आपको बताया था कल वाला मेंटी हम कंटिन्यू करेंगे, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया और वो मेंटी नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है. सो 3548272727 इज द कोड. इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे फन वाले, एंड 10 क्वेश्चन जो है वो नेशनलिज्म इन यूरोप का है. जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो 3548272727, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन. वी आर एमिंग फॉर 150 लाइक्स एंड 1.5 व्यूज, दैट्स इट.
अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, जल्दी जल्दी से बुला कर लेकर आओ। 3548272727 इज द कोड, 3548272727। लेट मी शेयर द लिंक एज वेल। Three five four eight two seven two seven is the code. So 18 of you have joined. जल्दी जल्दी से बच्चों सारे join कर लो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। This is going to be a fun and learn mentee. काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। I'm also sharing in some of the groups so that more people could join. Okay, so I think I have shared it with you all. 32 have joined. Jaldi jaldi se join kar lo bachcho. 3548 2727 is the code, and you people are going to love this quiz because we are going to have 10 questions from the chapter and 10 questions from the, I would not tell you, but half 10 questions fun question hone wale hain, and baki ke 10 questions jo hai bachcho wo hone wale hain. Hi Divyanshi, please share the link with your friends. We will start when we are going to have like more than 50 students. 50 students ho jayenge, iske baad hum start karenge. Share the link with your friends, ask them to join, and we are going to have superb fun mentee hone wala hai, bahut maza aayega aapko. That is a guarantee from my side. And do like the video guys, we are aiming for 150 likes. Hi Anisha, hi Archana, 41 of you have already joined. Amazing guys, jaldi jaldi se join kar lo, maza aayega. 42, okay great. 43 44. let's take it to 50. Let's take it to 50 students at least. Share it with your friends guys. Subah subah mentee khelne ka maza hi kuch aur hai na. Mentee with in the morning, mentee with morning tea. Mentee with morning tea. 45 of you have joined. Amazing. Hi Niharika. Okay Archana, I'll remember your name, don't worry. Ankit, please join the mentee quiz beta. Okay Nabil, thank you so much. Did you like it? Aapko pasand aaya? आपने देखा तो आपको पसंद आया? यस और नो, टेल मी। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन बाय द वे स्टूडेंट्स, आपको ये होमवर्क क्वेश्चन जो है वो करना है। आई विल स्टार्ट दिव्यांशी, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज आई हैव टोल्ड यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हेन आई एम गोइंग टू गेट लाइक एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स and I am aiming 150 likes students, तो please थोड़ा सा help करो, अपने friends को share करो and like कर दो। रोज़ तुम लोग इतना सारा like तो करते हो, I feel so happy and you people are really amazing, क्योंकि तुम लोग जो है ना मुझे लग रहा है comment में भी बहुत अच्छे से answer कर रहे हो homework questions का, so I am तो super happy with you all, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ये है हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, हु वॉज ऑफर्ड द क्राउन ऑफ द जर्मनी इन 1848, क्राउन ऑफ द टू बी जर्मनी, जोसेफ मज़ीनी, विक्टर इमैनुअल टू, विलियम वन और विलियम फोर। 44 ऑफ यू हैव जॉइन, जल्दी जल्दी से वापस आ चुके हैं बहुत सारे बच्चे, आई थिंक तुम लोग अपने फ्रेंड्स को ही बुलाने गए थे, एंड मेनी ऑफ यू हैव लेफ्ट एंड देन केम बैक, थैंक यू सो मच, थैंक यू दिव्यांशी बेटा, 68 लाइक्स हो गया, ओके okay.
खुशी वी आर गोइंग टू स्टार्ट ना, आई टोल्ड यू ना बेटा, 50 हो जाएंगे फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ऐसे भी बहुत फन आने वाला है आज तो मेंटी में, बहुत अमेजिंग होने वाला है. ओ माय गॉड, 76 लाइक्स ऑलरेडी, थैंक यू सो मच, ये 50 हो गए. ओके सो लेट्स बिगिन. 50 स्टूडेंट्स आ गए तो अभी तो शुरू करना ही पड़ेगा मैम को. थैंक यू आयुष. ओके सो सेंसरशिप इज द सप्रेशन ऑफ स्पीच, पब्लिक कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन. इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? सेंसरशिप का मतलब होता है लोगों से उनकी बोलने की राइट्स को छीन लेना. ये सही है या गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है? यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू गाइज, एंड 42 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. दिस इज ट्रू बेटा. एंड दोज हु हैवंट जॉइन द मेंटी येट, दे कैन जॉइन. आपको गूगल पे जाना है, लिखना है www.menti.com एंड ये जो कोड है वो डालना है 3548722727. अंकित इज द फास्टेस्ट, देन वी हैव खुशी, शुपनजोत, सोनजुम, योगिता, निहारिका, ऑलवेज बी हैप्पी, फातिमा, प्रिंस, अंशिका एंड सूरज. वेरी गुड. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विल बी बेटा, कॉल द जिब्रिश, कॉल द जिब्रिश, गेस द जिब्रिश. ठीक है, गेस द जिब्रिश में क्या होता है, आपको कुछ वर्ड है जो बहुत ही जिब्रिश फॉर्म में दिया गया है, आपको गेस करना है करेक्टली उसको क्या बोला जाएगा. ठीक है, सो यू हैव टू गेस दिस जिब्रिश. सी एल आई इट ए डी वाई, कॉल इट अ डीआईवाई, ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है, कॉल इट अ डीआईवाई या फिर कॉल इट अ डे, कॉल इन एनी डे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके 29 ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, इट इज कॉल इट अ डे. Amazing. Let's have a look at the next, at the leaderboard and then the next question. Who is the fastest right now? Sonjum is the fastest. Yesterday her rank was 2. Amazing. Sakshi, Nisagra, Jivika, Yogita, Arpita, K, Disha, Kansha and Sumit Shukla is also on the leaderboard. Very good. Question number 3. On your screens. ओके निहारिका, नो प्रॉब्लम, अभी तो आ गया ना समझ में बेटा. यूरोपियन सब्जेक्ट्स हैड अ कॉमन एलिजेंस टू द आर्मी, लॉज और एम्परर. दिस आई हैव टॉट यू यस्टरडे. जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे वो किसके तरफ लॉयल थे, यहाँ पे क्या कॉमन था, व्हाट वाज कॉमन, आर्मी, लॉ और एम्परर? सो वन थिंग विच वॉज कॉमन अमंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स वॉज दे वर ऑल अंडर मोनार्की. ये सेंटेंस बिल्कुल एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मार्क भी करना है आपको. ओके सो साक्षी, निशाग्र, अर्पिता, दिशा, सुमित, जीविका, निहारिका, महवीश, रानी एंड एरिसा. वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा खेल रहे हो. क्वेश्चन नंबर 4 of 20, नाउ वी आर गोइंग टू हिट दिस ऑन द स्क्रीन. हाय पूनम, राहुल, माय नेक्स्ट फ्री क्लास इज टुमारो एट 7 PM. उसके बाद मेरी नेक्स्ट फ्री क्लास जो है बेटा वो सैटरडे को होगी, क्विज होगा. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है, विच इज करेक्ट? नो, इट्स यूनाइटेड किंगडम. यहाँ पे एस होना चाहिए था ना, तब होता भी यूनाइटेड किंगडम्स. ठीक है, डम के बाद अगर एस होता तो ये आपका सही हो जाता. But see now the leaderboard is going to change, I guess. Niharika ka tukka sahi ho gaya hai. Bahut achhi baat hai. So Shami and Vote Goat is now the fastest. Sumit, Disha, Arpita, Shami, Sakshi, Vote Goat, Nishag, Rankita, Akritu, Jivika and Niharika. Question number 5. Hitting on your screens. When was Victor Emmanuel II proclaimed the King of United Italy? 1867, 1871, 1861. Victor Emmanuel II को राजा कब बनाया गया था इटली का? Any idea guys? पढ़ा है? नहीं पढ़ा?
रूहानी मैम, आप भी गेस करो मैंने क्या लिखा है. यस, यू हैव रिटन गुड मॉर्निंग. 1861 इज द करेक्ट आंसर. एक्चुअली थोड़ा वियर्ड केस है इटली का. राजा तो 1861 में ही बना दिया गया था विक्टर इमानुएल टू को, लेकिन फाइनल यूनिफिकेशन जो है वो 1870 में जाकर के हुआ, 9 साल बाद. ओके, रंजिता इज द फास्टेस्ट दिस टाइम. सुमित, अर्पिता, अकृतु, निशाग्र, जीविका, दिशा, लवप्रीत, अलका, कैस्पर 01 एंड रंजिता. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 of 20. जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो, 45 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है अभी फिलहाल. ओके अर्चना, आई विल गिव मेंटी, आई विल नॉट टॉक. ओके, न्यूज़पेपर रिपोर्ट. नो वन पेज फॉर पोर्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यू पेपर पोर्ट. विच इज द करेक्ट वर्ड्स फॉर दीज जिब्रिश वर्ड्स. इन जिब्रिश वर्ड्स के लिए करेक्ट वर्ड कौन सा है? सो इट इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट. वेरी गुड गाइज. बोनजोर अर्चना, अभी पढ़ाएंगे निहारिका, इटली वाला पार्ट भी कल पढ़ाएंगे. ओके बेटा, सो वी हैव अर्पिता इज द फास्टेस्ट कॉन्टेस्टेंट. सुमित, अर्पिता, आकृतु, जीविका, दिशा, लवप्रीत, अलका, कैस्पर, सोनजुम एंड श्यामी. वेल डन, वेल डन, वेल डन. क्वेश्चन नंबर 7 of 20. हाय सैम, आई एम गुड. हाय उपेंद्र, आई एम गुड. हाउ अबाउट यू गाइज, हाउ आर यू डूइंग? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल्ड ओवर सेंट्रल इटली, सदर्न इटली और नॉर्दर्न इटली. अगेन यार, ये थोड़ा सा पढ़ाया हुआ नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी, थोड़ा बहुत खुद तो पढ़ा होगा. इटली के किस पार्ट में ऑस्ट्रियन रूलर्स रूल करते थे? सो नॉर्दर्न इटली में रूल करते थे, सदर्न में बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है, सदर्न इटली के अंदर. एंड सेंट्रल वॉज रूल बाई द पोप, पोप रूल करता था. तो आज तो गूगली पे गूगली फेंके जा रही है मैम. योगिता इज द फास्टेस्ट. सुमित, अर्पिता, लवप्रीत, योगिता, आकृतु, जीविका, दिशा, मोना, एरिशा एंड सुपन ज्योत. अर्चिता, आई विल टीच यू बेटा, इफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस चैप्टर डोंट वरी. ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट क्या है ये? ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश सेक्शन, ब्रिटिश शॉकिंग. हाय उपेंद्र, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? ओके, सो इट इज ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट. बहुत अच्छा, वेल डन. सोनजुम इज द फास्टेस्ट दिस टाइम. सुमित, योगिता, आकृतु, जीविका, अर्पिता, दिशा, सुपन ज्योत, लवप्रीत, सोनजुम एंड मोना. क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन्स. द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स. फेमिनिस्ट, जेंडर डाइवर्सिटी और फ्रेटर्निटी. जो फीमेल्स थी स्पेशली बच्चों, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में they started fighting for gender equality, for the political rights, for the voting rights, and such kind of belief is called feminism, feminist, feminist belief. Okay. Hi Shashank, good morning beta. Sam, the timing is 7:30 only every day. ठीक है. ओके नरेश, तुम नेपोलियन बन के आए थे क्लास में. क्वेश्चन नंबर 10, वी आर हाफ वे डन. क्वेश्चन नंबर 10, एप हैंड हब हेयर. एप एंड हेयर अ पांडव्य अपेंडिक्स हेयर. विच इज द राइट वन? यू विल हैव टू मार्क द आंसर. 85 लाइक्स नाउ, थैंक यू सो मच. हाय अंकित, हेलो दीपा. So we are aiming just 150 likes, guys, and you people need to share it so that we all can get 150 likes, okay? So a panda bear tha iska matlab bacho. Let's see who is the fastest this time. Kya lagta hai, kaun fastest hoga? Disha hogi?
Yes, Disha is the fastest. So we have Sumit, Yogita, Akritu, Jivika, Disha, Aipita, Supanjot, Rani, Lovepreet, and Woodcourt. Question number 11. Correcto? Okay. ये बुक में नहीं है. अरे यार, मैंने बोला ना, ये तो गेस द जिब्रिश है, फन है, फन एंड लर्न. इन 1848 फ्रांस बिकेम अ यूनियन रिपब्लिक और सुपर पावर. ये तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, राइट? लुई फिलिप जो है वो उनको हटा दिया और फ्रांस को क्या बना दिया लोगों ने? रिपब्लिक बना दिया. यस, ग्रेट, अमेजिंग, बहुत अच्छा. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. Who is going to be the fastest? Supanjot. Arpita is the fastest this time, guys. Sumit, Yogita, Disha, Jivika, Arpita, Supanjot, Rani, Lovepreet, Akritu, and Vote Good. Very good. Well done. And those who are watching have not joined the Menti yet. They can join it. Just go to the Chrome, write www.menti.com. 3548-2727 is the code. But chalo. Vanderwumpen. And guys, if you have not liked the video, please like it. Okay. So this is Wonder Woman. Whoa. Most of you have given the correct answer for this one. I think you people are watching a lot of sci-fi movies, huh? You people know who Wonder Woman is. Raghunandan Gautam, then I will try to perfect myself. Please write in the comment box what improvement you want. So Arpita is the fastest. Great. Then we have Sumit, Yogita, Disha, Supanjot, Rani, Akritu, Lovepreet, Jivika, and Vote Goat on the screen on the leaderboard. Question number 13. Da folk meant common people, common ruler, common culture. Thank you. थैंक यू अर्चना. सो डा फोक का मतलब होता है, सैम बोल रहा है, कॉमन पीपल. वेरी गुड सैम. एंड ऑल द 34 स्टूडेंट्स हु हैव मार्क द करेक्ट आंसर. और जो बाकी के बच्चे जिनका गलत हो गया, डोंट वरी, अब तुमको हमेशा याद रहने वाला है करेक्ट आंसर. ओके, तो जब गलती करते हो ना तो घबराना नहीं है. वाई? बिकॉज वेन यू मेक मिस्टेक दैट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट लाइक टिल योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. सो सुपनजोत जो है वो फास्टेस्ट है. सुमित, योगिता, अर्पिता, सुपनजोत, रानी, आकृतु, जिविका, लवप्रीत, दिशा एंड वोट गोट. क्वेश्चन नंबर 14. नाउ वी आर नॉट लेफ्ट विथ मच क्वेश्चन. जल्दी जल्दी से हम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोगों ने इतना सारा लाइक दे दिया, इतना सारा प्यार. थैंक यू सो मच. सो एबलेस सिंह, एबलेस सिंह, अ ब्लेसिंग, एब सिंह, अ लेस थिंग. वट इज द करेक्ट आंसर? And the correct answer is a blessing. So I bless all of you. God bless all these super duper kids जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के आ रहे हैं. मॉर्निंग चैलेंज इज अ टफ वन, ओके, टू क्रैक, बिकॉज बच्चे आजकल लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, लेट उठते हैं. बट यू पीपल आर अमेजिंग. जो भी यहाँ पे आ रहा है और खेल रहा है, बिग थम्स अप एंड अ क्लैप फ्रॉम माई साइड. ओके, मेरी तरफ से तो बहुत सारा अप्रिशिएशन आप लोगों को एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑल्सो. You people are going to rock it there in your board exam. Just like one of my students did today, hai na? Ek bache ne NTSC stage 1 clear kar liya. Amazing yaar, I feel super proud when my students kind of bring accolades, hai na? Bahut acha result lekar aaoge sabhi ke sabhi. Yes, Archana. Where were priests and bishops of Poland sent as punishment for the refusal to preach in Russian language? ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको. मैंने बोला ना Russian language इम्पोज कर दिया था, लेकिन अगर वो लोग Russian language नहीं बात करते थे ना, तो उनको पनिशमेंट के लिए पता है कहाँ भेज दिया जाता था? मॉस्को, सर्बिया या बेलारस? एनी गेस? दे वर सेंट टू सर्बिया. वाह यार, काफी बच्चों का सही हो गया. ये तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो तुम लोग सही कर देते हो.
इजी वाले में थोड़ा गड़बड़ कर देते हो. सोनजुम इज द फास्टेस्ट दिस टाइम. सुमित, योगिता, अर्पिता, रानी, दिशा, लवप्रीत, सुपनजोत, सोनजुम, आकृतु एंड जिविका. वेल डन बेटा. क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ 20. देन वी आर गोइंग टू हैव जस्ट फोर मोर क्वेश्चन लेफ्ट. 54 ऑफ यू आर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक द वीडियो बच्चा लो प्लीज. एक रिस्ट मक ह एयर हल. हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए. बार बार ये वर्ड प्रोनाउंस करो, याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा. एक रिस्ट रिस्ट मक ए हल. दिस इज अ क्रिसमस कैरल. क्रिसमस के टाइम पे कैरल्स बहुत फेमस होते हैं जो लोग गाया करते हैं इवनिंग में. सो दिस वॉज अ क्रिसमस कैरल. एंड ये बच्चे गलत करते हैं. दिस इज समथिंग, दिस वॉज डिफिकल्ट वन, एक्चुअली डिफिकल्ट था. सुपनजोत जो है वो फास्टेस्ट है. समित, योगिता, दिशा, अर्पिता, सुपनजोत, रानी, जीविका, लवप्रीत, सोनजू मैन, आकृतु. एंड गाइस थोड़ा सा रुक जाना जैसे मेंटी क्विज खत्म होगा, बिकॉज मुझे आपको ना एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है. सो आई वुड जस्ट लाइक यू ऑल टू वेट लाइक फॉर 1 or 2 minutes आफ्टर द मेंटी क्विज गेट्स ओवर. लुई फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम पैरिस इन द ईयर. लुई फिलिप जो है वो उसको कब भगा दिया लोगों ने. रेवोल्यूशन किया, पीपल डिड रेवोल्यूशन एंड ही सेड वी डोंट वॉन्ट लुई फिलिप एनी मोर, वी वॉन्ट रिपब्लिक. So when this happened in the year 1848, yes, and 29 of you have given the correct answer. So I think you people are studying really well. You have been attentive in the class, that means. And jo thoda sa attentive nahi hote hain unka galat ho jata answer, isliye kam padho lekin attentive reh ke padho. Okay, Satyat is the fastest this time. सुमित, योगिता, दिशा, अर्पिता, सुपनजोत, लवप्रीत, जीविका, सोनजुम, रानी एंड सत्यार्थ ऑन द लीड बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ 21. ओके निहारका. ओके, वी लोफ ओर्चिन, वी लोफ ओर्चिन, वी लोफ ओर्चिन. क्या होगा करेक्ट आंसर? So it's Villa Wheel of Fortune. Yes, there's a Wheel of Fortune. Correct hai 20 bachcho ka. Vaishnavi, the old student Nihar, Nihar qualified. Okay. So Sumit, Yogita, Disha, Arpita, Supanjot, Jivika, Sonjum, Rani, Lovepreet and Satyarth. क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ 20. अमेजिंग गाइज, बिल्कुल. रूहानी, आई विल टीच क्लास नाइन ऑल्सो, डोंट वरी बेटा. इन फ्रेडरिक पेंटिंग वेयर कैन शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन बी फाउंड. वो जो पूरे गिरे हुए थे क्राउन वगैरह के टुकड़े कहाँ पे थे? बैकग्राउंड में थे, फोरग्राउंड में थे या टॉप ऑफ द पिक्चर पे थे? बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और टॉप ऑफ द पिक्चर. It was on the foreground. Yes, absolutely correct, guys. It was on the foreground. Bilkul sahi hai. 19 students have given the correct answer. So, Sumit is the fastest this time. Aur Sumit to bhaiya apni jagah bilkul bana ke baith gaya hai. Hat hi nahi raha wahan se. Yogita, Disha, Arpita, Supanjot, Sonjum, Jivika, Mona, Rani and Lovepreet. Well done, well done, well done, guys. Now the last question is remaining. After this, I want you all to like wait for 1 second so that I can tell you something. Kuch ek information pass on karni hai, important information. Don't touch my stuff. Don't touch nice scarf. Don't touch stuff. Which is the correct answer? Thank you, Archana. And those who haven't liked the video yet, please do like it, guys. So the correct answer is don't touch my stuff. And let's see who is the winner now. Sonjum is the fastest and Sumit is the winner for this one. Great, amazing, bahut hi acha.
Okay, guys, so the important information is that tomorrow. अच्छा ये भी होमवर्क क्वेश्चन है ना, दो होमवर्क क्वेश्चन है. द फर्स्ट वन इज दिस, अनदर वन इज ऑन 18 May 1848 हाउ मेनी मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. 431, 831, 900 एंड 600. यू पीपल हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स वंस द स्ट्रीम स्टॉप्स. ओके, ना एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों कि फ्राइडे को, दैट मीन्स टुमारो एट 2 PM I'm going to have a mentee quiz. I'm going to have a mentee quiz on just 9th and 10th. Okay? And it will be on the first chapters of geography, economics, pol science and history. First chapters rahenge. And iska naam diya hai challengers of the month. Theek hai? And next day, on Saturday, we are going to have a mentee quiz at 11 AM. ऑन टॉपर्स, जिसका नाम दिया है स्कॉलर्स ऑफ द मंथ. ये दोनों ही मेंटी क्विज के जो विनर्स होंगे उनका हम एक उनके साथ इंटरेक्शन रखेंगे ऑन संडे. ठीक है, ये दोनों मेंटी क्विज के जो विनर्स होंगे उनको फीचर किया जाएगा टॉपर्स स्टॉक में, टॉपर्स स्टॉक के अंदर. एंड आई विल शेयर द आई विल गेट इट शेयर इन द कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो. ओके, अब अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है बच्चों तो जरूर जाओ एक बार प्लस. आई थिंक सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए विद स्पेशल, और स्पेशल पे एक बार आप जब एक्सपीरियंस कर लेते हो तो फिर प्लस के लिए जब आप जाते हो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, नोट्स मिलते हैं, पूरा सिलेबस कवर हो जाता है सारे सब्जेक्ट का. एंड द प्राइजेस आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली, 13,500 आफ्टर द कोड RSYT. एंड आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीचर और भी अमेजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटोर मिलता है जो आपके लिए पर्सनली डाउट क्लियर करता है आपका, जो पर्सनली तुम्हें टाइम टेबल बना के देता है, पेरेंट्स से बात करते हो. तो बच्चों अगर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड, रिलेटिव, अड़ोसी पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, एनी बडी इज सीकिंग सब्सक्रिप्शन, प्लीज सजेस्ट द कोड RSYT टू देम. ओके, बिकॉज दैट हेल्प्स अस अ लॉट. And the price is 25,200. अगर तुमको लेना ही है सब्सक्रिप्शन तो आई वुड से गो फॉर आइकॉनिक. दिस इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी बच्चों. ठीक है, एंड अभी ऑफर भी चल रहा है. इफ़ यू विल टेक आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन 1 year का तो आपको 2 months एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 months का क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम के लिए यंग कोडर मिलेगा. एंड 2 year के अंदर आपको 2 year का क्रिएटिव कॉर्नर, 2 year का यंग कोडर्स मिलेगा. इनफैक्ट 2 students कैन लर्न फ्रॉम 1 subscription itself. अगर आप क्लास 6-7 का लेते हो सब्सक्रिप्शन तो 6 का और 10 का एक्सेस कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो. ओके, अगर प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं तो EMI तो है ही, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड. ओके, यू कैन गिव दैट. क्लियर, These notes are sufficient, मानसी, ये बिल्कुल sufficient है. और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है लाइक कर दो जल्दी जल्दी से. ठीक है, तो अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर पे सारे डाउट्स क्लियर करते रहो. डाउट्स कभी भी अनसॉल्व नहीं रहने चाहिए. पिक्चर क्लिक करके क्वेश्चन भेजोगे और डाउट क्लियर हो जाएगा. RSYT कोड लगाना कृपया ना भूलें. हाँ, जब भी फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हो किसी नंबर से, आपका कोई फ्रेंड कर रहा है, उसको बोलो RSYT कोड लगाने, सो दैट दे कैन काइंड ऑफ गेट ऑल द कॉन्टेंट फॉर फ्री. So let's crack it guys and let's hope ki aim complete ho jaye. Okay? And have a good day bachcho. Please be safe and sound and take care of yourselves. Take care of your parents. Bye bye.